जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल पे स्कूल 2.0। आज की इस क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके कक्षा 10 एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये किसी ना किसी सन में आए हुए हैं, सारे रिपीटेड प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दे के रखा है, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ईला चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, ये हमारा ऑप्शन डायरेक्ट गलत होता है, ठीक है ना, वो कवि नहीं है। ऑप्शन बी दे के रखा है इसमें, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो गया। देखिए यहाँ पर काखा गाघा पड़ा है, लेकिन मैं ABC बताता हूँ, ठीक है ना, आप लोग उसको देख लीजिएगा भाई, काखा गाघा ABC में कोई इशू नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमको क्या दे के रखा है, देखिए दूसरा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी है किस विधा की रचना है। देखो शेखर एक जीवनी है किस विधा की रचना है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। ऑप्शन ए हमको दे के रखा है उपन्यास, ऑप्शन बी दे के रखा है एकांकी, ऑप्शन सी दे के रखा है कहानी, और ऑप्शन डी है निबंध। इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा भाई, शेखर एक जीवनी है ये हमारी उपन्यास विधा की रचना है। किसकी है भाई, उपन्यास विधा की। इनकी आप एक कॉपी बना लीजिए पतली सी और नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग, कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। ऑप्शन ए दे के रखा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दे के रखा है अमृता राय, ऑप्शन सी दे के रखा है हम लोगों को चिंतामणि, और ऑप्शन डी है भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा अमृता राय, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, अमृता राय। उसके बाद अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन में बस गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है, ये भी बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन है हमारे पास इसमें महादेवी वर्मा, और ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, और ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी है रामवृक्ष वेणीपुरी। इसका राइट आंसर है गेहूँ और गुलाब जो हम लोगों की रामवृक्ष वेणीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, यही बहुत पूछा गया है, सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये क्या जो मैंने पिछले ही बताया, आप लोग चेक करिए जाके, किसी सन में हर जगह पूछे गए हैं, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है हमारे पास उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, और ऑप्शन सी है कहानी, और ऑप्शन डी है एकांकी। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या है भाई, उपन्यास। त्याग पत्र जो है हमारी उपन्यास विधा की रचना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्या होगा, मैं लोगों का उपन्यास विधा की रचना है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, ठीक है ना, 100% जो मैं बताऊँगा एग्जाम में आप लोगों को वही ही पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, रसमीमांसा किसकी आलोचना कृति है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है हमारे पास रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी है हम लोगों के पास महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यहाँ पर द्विवेदी थोड़ा सा गलत लिखा है, आप लोग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। और ऑप्शन सी है रांगे राघव की, और ऑप्शन डी है केदारनाथ सिंह की। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा भाई, रसमीमांसा हमारी किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की। इसका हमारा क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न में चले हम लोग। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, ये बहुत पूछा जाता है, गारंटी अगले बार भी इसका चांसेस बनेगा, किसी ना किसी सेट में फिर पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिए थोड़ा सा द्विवेदी गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है उससे बात करते हैं टाइपिंग वाले से कि कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, इसलिए लोग थोड़ा गलत कर दे रहे हैं। ऑप्शन बी है फरदार पूर्ण सिंह, और ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी है हम लोगों का वासुदेव शरण अग्रवाल। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है भाई, प्रश्न नंबर सात में के हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जीत सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, किस सन में बने, उन्होंने ये पूछा है, ठीक है ना। ये मुफली आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ले लिया है, हो सकता है चांसेस बन सकते हैं भाई, कौन सा प्रश्न कब ना पूछ ले। ऑप्शन ए है हमारे पास सन 1903 में, ऑप्शन बी है सन 1920 में, ऑप्शन सी है सन 1925, और ऑप्शन डी है सन 1947। इसका राइट आंसर हम लोगों को जाएगा सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी
जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इसके बाद अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक बात, जो सरस्वती पत्रिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको बहुत आप लोग इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। OMR में एक ऐसी चीज़ है कि भाई आपको बिल्कुल 100% राइट ही टिक करना है, ऐसा तो नहीं क्या बना के लिख दें नंबर मिल जाए, गलत तो गलत। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है छायावादी युग, ऑप्शन डी है प्रगतिवादी युग। इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर होगा सरस्वती, सबको पता है द्विवेदी युग की रचना है, किसकी है भाई द्विवेदी युग की। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, रेशमा चटाई किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है हमारे पास इसमें निबंध, ऑप्शन बी है आत्मकथा, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है इसमें नाटक। तो रेशमा चटाई किस विधा की है भाई आप लोगों की, ये है हमारी नाटक विधा की रचना, किसकी है नाटक विधा की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं, हमारे पास प्रश्न नंबर 11 देके रखा है, निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि हैं। देखिए जब आप लोगों की OMR नहीं होती थी, रिटर्न होता था, छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट था, हर बार कहीं ना कहीं लेखक कवि सब पूछता था उसमें जो है। देखिए ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है अज्ञेय जी। इसका राइट आंसर भी हम लोग क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावादी किस में कवि कौन से हैं भाई, जयशंकर प्रसाद, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका राइट आंसर हम लोगों को जाएगा भाई भारतेंदु युग, सबको पता है किसके कौन है, इसके हमारे लेखक कौन हो जाएंगे भाई प्रताप नारायण मिश्र। ये आपको मिलता है जैसे आप चैप्टर में पहुँचते हैं ना, वहाँ आपको तुरंत ही बात मिल जाती है, वहीं लिखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं, पथ के साथी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है हमारे पास आत्मकथा, ऑप्शन बी है संस्मरण, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है जीवनी। तो पथ के साथी जो हम लोगों की रचना है भाई, यह है संस्मरण विधा की, किसकी है संस्मरण विधा की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 हम, ध्रुव सोमनी किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है हम लोगों के पास जैनेन्द्र कुमार और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सोमनी जो है हमारी किसकी है भाई जयशंकर प्रसाद की है, बात समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इलाचंद्र जोशी की रचना है, इलाचंद्र जोशी की रचना है। ऑप्शन ए है रश्मि मांसा, ऑप्शन बी है कुछ बिखरे पन्ने, ऑप्शन सी है सन्यासी, ऑप्शन डी है पल्लव। तो भाई इलाचंद्र जोशी की जो रचना है इसमें हम लोगों की सन्यासी कौन सी है, इलाचंद्र जोशी की रचना कौन सी है भाई इसमें हम लोगों की सन्यासी, ऑप्शन नंबर गा जो है कहने का मतलब सी राइट है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 में, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है कहानी। तो अजात शत्रु जो हम लोगों की है भाई ये नाटक विधा की रचना है, किसकी है नाटक विधा की, ऑप्शन नंबर खा हम लोगों को इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए आप लोगों को, पहला गुनाहों के देवता किस विधा की है, आप लोग समझ गए किसकी है भाई उपन्यास विधा की है, पहला क्वेश्चन गुनाहों के देवता उपन्यास विधा की है। अब उसके लेखक यहाँ से हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन ए है श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी है केशव और ऑप्शन सी है हम लोगों का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और ऑप्शन डी है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 अनामिका किसकी रचना है, अनामिका किसकी रचना है। ऑप्शन ए हम लोगों का इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर हम लोगों का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका हमारा राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, ये बात गलत है,
कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। पहला गलत कफन प्रेमचंद्र जी की कहानी है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कफन हमारा प्रेमचंद्र जी ने ही लिखा था। इम्पॉर्टेंट है, कफन पूछता है किसने लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां और हमारी इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मृगनयनी के लेखक का नाम है, मृगनयनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है वृंदावन लाल, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर हम लोगों को जाएगा भाई वृंदावन लाल। क्या हो जाएगा? वृंदावन लाल। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक आप लोगों के 20 प्रश्न हो गए। देखो इसके बाद हम लोग कुछ बातें और समझ लेते हैं इसमें। इसके बाद देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं जितना इसमें पढ़ा रहा हूँ वही आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भाई। ओएमआर जो है, कौन? ओएमआर। इसमें आप लोग बना के नहीं लिख सकते, आपको जो आता है आपको वही लिखना है, एग्जैक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। देखो इसकी मैं 5 क्लासें करवाऊँगा, मैक्सिमम 100 प्रश्न, और गारंटी है उसी के अंदर से आपको प्रश्न मिल जाएगा। मैंने कल एक बताई कि आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, हर सब्जेक्ट का मुफ्ती मैंने बताया आपको क्या पढ़ना है। आप लोग उतना पढ़ लीजिए, सारा जितना आप सोचें 90-95 आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भाई क्यों क्लियर होगा 90%? क्योंकि जो प्रश्न आने हैं मैंने सारा 10 मिनट की वीडियो में क्लियर कर दिया है। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।